वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर न्यू व्लॉग। सो आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ से, अभी हो रहा है सुबह का 8 और हम लोग सब उठ के तैयार हो चुके हैं। आपको रामनवमी का व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट ज़रूर करो, उस पर तो कमेंट किए नहीं, इस पर कमेंट करके बताओ आपको रामनवमी का व्लॉग कैसा लगा। तो आज हम लोग बना रहे हैं एकदम टेस्टी टेस्टी छोला और भटूरा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है छोला भटूरा। तो चलो आओ आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये और आ चुका है। इस बार हम शॉप से मंगाए थे बट एकदम ये सेम मंगाए थे, बट ये हमको थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। ऑल्दो है लेंथ में भी ये छोटा है यहाँ से, और इसका प्रिंट्स भी अलग है ये चीज़। और शॉप से में तो रिटर्न होता है नहीं, अब इसी को लगाते हैं अतरंगी सा। और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, और ये अलग कलर आ गया है। आज बन रहा है कद्दू का सब्जी लौकी का, और यहाँ मम्मी काट रही है लौकी, यहाँ पे और काट के रखे हैं। और इनसे मिलो, इन दोनों से। ये लोग जब नहाती है ना उस टाइम आपको दिखाएंगे कितना इन लोग इंजॉय करती है। ये ब्लैक वाली तो और गाइस, इससे भी मिल लो। देखो इन लोग को थोड़ा पानी गंदा हो चुका है, बट इनसे भी मिलो। इसका तो हमको पता ही नहीं चलता ये क्या है, ये ना खाना खाती है ना कुछ खाती है, बस कचरा खा खा के जिंदा रहती है। अभी एक्वेरियम में बहुत कम मछली है क्योंकि बहुत सारी मछली मर गई थी। हम लोग जब देवघर गए थे एक दिन हम लोग खाना नहीं दे रहे थे, भूल गए थे रखना खाना, तो मर गई थी बहुत सारी, 5-6 मछली मर गई थी। अभी देखो। और गाइस कहते हैं कि मछलियाँ अगर आप पाल रहे हैं घर में और मछली अगर मरती है तो बहुत संकट कटता है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक्वेरियम टूट गया था हमारा, और एक्वेरियम का पीछे वाला ग्लास टूट गया था, तो उस टाइम में 25 मछली थी, 25 उसमें से 13 मछली मर गई थी, 13 मछली एक दिन में, 24 घंटे में 13 मछली मर गई थी। थोड़ा बहुत ही मछली बची थी, उस दिन हम लोग का सच में रियलाइज हुआ कि कुछ तो टला। इसीलिए मतलब कहाँ भी जाता है जो लोग मछलियाँ पालते हैं उन्हें समझ आता है ये सारी बातें। ये देखो यहाँ पे ये लोग दोनों को मम्मी नहला रही थी, और किस तरीके से ये लोग नहाना इंजॉय कर रही है। इन दोनों का फेवरेट काम है दिन भर का ये नहाना, सबसे ज़्यादा इंजॉय ये लोग करती है। तो जी यहाँ पे छोला और भटूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखो ये भटूरा है, छोला, और यहाँ प्याज। लो गाइस आप भी खाओ, ये होममेड है, ये मेरा, ये हम खुद से बनाए हैं, ये थोड़ा फूला नहीं है। 2000 years later. तो गाइस यहाँ हम बना रहे हैं फेस पैक, और फेस पैक में पहले लेंगे यहाँ ये है मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। हमको पता है मेरा स्किन पे बहुत पिंपल है, गर्मी में ही मेरा बहुत पिंपल हो जाता है। अब आयुष देखिए क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं आयुष, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आयुष नानी के घर आए हैं अपनी नानी का हेल्प करने। और
दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी, मेरा मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो चुका है। इससे पता चलता है कि हम कितना मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं। और दो चम्मच गुलाब जल, छोड़ो हटाओ इसे ही डालना, और इसका पेस्ट बना लेंगे गाइस। और इसके अलावा एक और भी फेस पैक होता है बेसन वाला, उसका भी कभी हम आपको जरूर दिखाएंगे जब बनाएंगे तब। और इससे पहले टीवी चालू है जिसका रिमोट ही खराब हो गया है, आज आयुष रिमोट लेने जाना है। आप पहले से स्क्रब करके या फिर पील ऑफ मास्क लगा के अपना फेस का सारा डर्ट स्किन सेल हटा दिए हो, और जिसका फेस ऑयली है उसके, आप मेरा चैनल को देखते रहो, हम आपका फेस को एकदम अपनी जैसा कर दें। तो गाइस हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं इसको ठीक कराने। मोबाइल से चलाते थे, रिमोट ठीक कराने जा रहे हैं। यहाँ मम्मी भी रेडी होके बैठी है और एक इंसान हमारे साथ जा रहा बोनस में। हेलो गाइज, कहते हैं ना सस्ते का माल सस्ते में, तुम ना तुम देख कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ चिड़िया दिख रही है, दिख रही है आयुष? हाँ दिख तो रही है। देखा, हम लोग यहाँ जा तो रहे थे शॉपिंग करने, बट हम लोग को क्या पता था रिमोट बनाने के अलावा कुछ और चीज का भी ये लोग शॉपिंग करवा ही देगा। किट्टू रहे तो वहाँ क्या हो सकता है। ये जो रैबिट था यार, मेरे को लग रहा था ना कितना बीमार है, लेकिन ये यूजुअली बहुत बड़ा रहे। यस गाइस, किट्टू हम लोग को अगेन लेके आ चुका है एक्वेरियम शॉप पे, जहाँ पे उसको फिर से फिशेस लेना है। और यहाँ देखो यार, बहुत सारा फिशेस था भाई, हम तो इसके साथ आते हैं तो बस ये फिशेस ही लेता है। और ये देखो कितना खूबसूरत, ये तो हमारे पास पहले से था, और यहाँ पे कबूतर है, इसको मसक्कली कबूतर कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग तरह का पेट सब था। ये सारी जो क्रोकोडाइल फिशेस थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये सारे एक जगह जाके कर क्या रहा था सब, मतलब ये दूर से देखने में कितना अजीब लग रहा है ना। और सबसे खूबसूरत यार ये विडो, मेरा फेवरेट फिश है ये। यार गाइस, इस फ्रॉग को एक बार देखो, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो छोटे छोटे बच्चा लोग का, ये हमने, मेरा मन कर रहा था लेने का, फिर पता चला कि हमारी जो गिन्नी है वो इस फ्रॉक में फिट नहीं होगी क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। ये बहुत छोटा फ्रॉक था, बट यार की तो खूबसूरत, ये पर्पल और तो और सुंदर लग रहा था, एकदम बारबी डॉल वाला वाइब दे रहा था। One eternity later. तो गाइस ये है नेक्स्ट डे, और हमारा आ चुका है पिज्जा। हम लोग जा रहे हैं पिज्जा खाने। अंश लो लो पिज्जा। गाइस रुको, गाइस गाइस मैं अब मम्मी खाई, ये ऑरिगेनो दो, एक एक करके दो, एक दो मेरा, एक वो दो ग्रीन वाला दो। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अब जिसको जो मिला है वो खाएगा, ठीक है? डाल दो दीदी टिश्यू, ठीक है अंश? मेरे को तो ये मिला है कॉर्न, तो सिर्फ पिज्जा मिला, केक पिज्जा नहीं।
और ये है स्वीट कॉर्न। हम और मम्मी का गाइज, ये जो हम लोग पिज्जा खाए ना, ये हम लोग मम्मी से छुपा के खाए। दोपहर के वक्त मम्मी सोई हुई थी, तब हम लोग ऑर्डर किए पिज्ज़ा, और पिज़्ज़ा हम लोग मंगवा के हम लोग सारे बच्चे बैठ के खा रहे थे। मम्मी को तो पता भी नहीं चला, बट ये व्लॉग देख के 110% मेरी मम्मी को पता चल रहा है। तो जी, यहाँ पे देखो, हम लोग ये वाला रिमोट लेके आए हैं, वो रिमोट नहीं बना इसलिए हम लोग ये दूसरा रिमोट ले लिए। ओरिजिनल नहीं है ये, कहीं आप सोचो कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है। इतना ये देखो, यहाँ किट्टू यहाँ पे बैठा हुआ है, उतना म्यूजिक बजा रहा है ना। तो बस इसी चीज़ के लिए गए थे, बस रिमोट बनवाने के लिए हम लोग। तो आई होप आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ डार्क टाइम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, एंड लाइक करो।